अगेन जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ कंसेप्ट को गेन किया था, कुछ बेसिक टर्म्स को डील किए थे, यहाँ पे भी सिंपली हम वही करने वाले हैं। जैसे कि पहला टर्म है यहाँ पे, दैट इज योर बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब भी क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि जो हमने ट्रॉपिक लेवल देखा था कि जो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल में कोई भी पॉल्यूटेंट्स अगर आता है तो पहले ट्रॉपिक लेवल में वो काफ़ी कम रहेगा, लेकिन जितने ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे वो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाएगा। मतलब वो जैसे जैसे ट्रैवल कर रहा है दैट इज़ इन अ ट्रॉपिक लेवल, वो वैसे वैसे मैग्नीफाई होता जा रहा है। सो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स परसिस्ट करते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाई द डेट्रिटिवोर्स, not only move through the various tropic level but also remain in that tropic level for a very long duration। और इस तरीके से मान लेते हैं कि अगर ये रहा tropic level, तो कोई भी ऐसा non degradable pollutant जिससे कि A ने absorb किया है, जब A को B खाएगा तो B में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर जब B को C कंज्यूम करेगा तो C में उससे भी ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा उस टॉक्सिक एलिमेंट का या नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का, और D जब सी को खाएगा तो डी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ दैट नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो देखा जाएगा वो होगा डी में। एंड इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। सेकेंड टर्म है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन एक्चुअल में बायो वर्ड राइट, रेमेडिएशन यानी कोई रेमेडी निकालना। तो इसमें क्या होता है कि बायोरेमेडिएशन इज अ प्रोसेस यूज टू ट्रीट कंटामिनेटेड मीडिया इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल एंड सब सरफेस मटीरियल बाई एल्टरिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेड द टारगेट पॉल्यूटेंट्स। तो क्या किया जाता है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज बायो रिमेडिएशन। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया जिससे कि हम पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं इकोसिस्टम से। थर्ड इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज द पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म। Bioaccumulation occur when an organism absorb a substance at a rate faster than that at which the substance is lost by the catabolism or excretion। तो bioaccumulation कैसा process है जिसमें एक organism जो है pesticides को अपनी body में accumulate करता है, लेकिन accumulation का rate utilization के rate से काफ़ी ज़्यादा high होता है, and that is why उसकी बॉडी में वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रहता है। एंड आज बिकॉज ये एक्यूमुलेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, हेंस वी कॉल इट एज अ बायो एक्यूमुलेशन। फोर्थ, फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो मीन्स प्लांट, रिमेडिएशन मीन्स अगेन यहाँ पे किसी टाइप के ब्रेकडाउन की बात की जा रही है। तो फाइटो रिमेडिएशन में भी डिग्रेडेशन ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट करता है। सो फाइटो रिमेडिएशन यूजेस प्लांट टू बाइंड, एक्सट्रैक्ट एंड क्लीन अप द पॉल्यूटेंट्स सच एज द पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, मेटल्स एंड क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट। तो ये सारे कुछ मेथड हो गए जिससे कि मेनली पॉल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट से हटाया जाता है। फिफ्थ, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन को हम नॉर्मली बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक। यानी कोई भी अगर आप वाटर बॉडीज देख रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि अगर उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा एल्गी का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब वो लेक, मतलब लेक में आपको पानी कम नजर आएगा, ग्रीनरी जो होती है जिसे हम बोलते हैं मेनली एल्गी का ग्रो हो जाना, वो ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, सो एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू द रन ऑफ फ्रॉम द लैंड, मेनली द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, विच कॉजेज अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ, दैट इज द एक्सेस एल्गल ब्लूम ग्रोथ। तो हमेशा आप जब भी यूट्रोफिकेशन देखेंगे तो कोई भी लेक आपको ग्रीन नजर आता है, क्योंकि उसके ऊपर सारा का सारा जो लेयर है उसमें एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, एल्गी का ग्रोथ बहुत हाई हो जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। और ये तभी होता है जब वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मेनली अगर वाटर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिच हो तो उस पर्टिकुलर लेक में दैट इज़ बहुत ज़्यादा जल्दी जो है एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ यूट्रोफिकेशन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेशन. सक्सेशन एक्चुअल में एक यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है. एक डायरेक्शन में मूव करेगा दैट इज फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करवाएगा और ये सीरीज में होगा. यानी सीरीज में होने का मतलब क्या है, जैसे कि जो स्टेप चलते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि कोई स्टेप दैट इज एक्सक्लूड कर दिया गया. ठीक है, विद लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी. और जो फाइनल स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी मार्क द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन. क्लाइमैक्स कम्युनिटी अगर आ चुका है तो दैट इज अ इंडिकेशन कि वो एंड पॉइंट है सक्सेशन का. टेम्पोरल स्टेजेस आर सीरियल स्टेजेस, जो बीच के मिडिल के स्टेज होते हैं. जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट से सक्सेशन शुरू हुआ है और इस पॉइंट पे एंड होगा, और ये जो बीच के स्टेजेस होंगे उसे हम कहेंगे सीरियल स्टेजेस या फिर हम इसे टेम्पोरल स्टेजेस कहेंगे. टाइप की अगर हम बात करते हैं तो टाइप में दो टाइप के आते हैं सक्सेशन. पहला होता है प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या देखा जाता है, कोई भी अनऑक्यूपाइड साइट होती है, मतलब जिसको पहले कभी किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया हो, तो वहां पे पहली बार लाइफ देखी जाती है और उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन. तो लाइफ तो ऐसे ही नहीं होगी, वहां पे सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, ऐसे करके वो प्राइमरी सक्सेशन देखा जाएगा. सो इट इज अ अनऑक्यूपाइड साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज बाय द फ्यू पाइनियर स्पीसीज विच आर ऑफन अ माइक्रोब्स लाइकन एंड मॉसेस. तो पाइनियर स्पीसीज क्या होती हैं, जो एक अनऑक्यूपाइड एरिया को पहली बार ऑक्यूपाई करती हैं, जो पहली बार उस एरिया में आती हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज. अब ये जो पाइनियर स्पीसीज है इन केस ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन, ये माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं, मॉसेस हो सकते हैं. सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है इनिशियली कम्युनिटी वाज देयर बट डिस्ट्रॉयड बाय सम नेचुरल डिस्टर्बेंस सच एज द फायर, फ्लडिंग एक्सेट्रा. तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये हो गया जो सेकेंड बार हो रहा हो, यानी पहली बार वो ऑलरेडी हो चुका है. जैसे कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट को ले लेते हैं एग्जाम्पल. एक फॉरेस्ट हरा भरा है, कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे जो है फायर लग गया, फायर के कारण पूरा का पूरा दैट इज फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे दोबारा से कोई लाइफ नहीं आएगी, दोबारा से बिल्कुल लाइफ आएगी. और जब वहां पे दोबारा से लाइफ स्टेब्लिश होगी तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. So secondary succession initially community was there, बाद में destroy कर दिया गया हो या destroy हो गया हो due to any kind of a natural disturbance, जैसे कि हो गया fire, flooding and many more. इसको हम कहते हैं secondary succession. और इस तरीके से जो है हम देखते हैं make sure secondary succession में pioneer species बिल्कुल ऐसी नहीं देखी जाती है. ये pioneer species तभी देखी जाएंगी जब primary succession हो. Okay? अब सक्सेशन के कुछ मोड आते हैं, यानी कितने तरीके से सक्सेशन ऑपरेट हो सकता है. पहला जो मेथड है दैट इज अ फैसिलिटेशन मॉडल. फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट करना, यानी किसी को वेलकम करना. और जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो वेरी ऑब्वियस उनके लिए हम सारी चीजें फेवरेबल बना के रखते हैं. फेवरेबल यानी दैट इज आप कह सकते हो कि जो किसी को प्रॉब्लम ना दे, इनफैक्ट किसी को फायदा दे. जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको क्या करते हो, फैसिलिटेट करते हो, यानी उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, उसके वेलकम के लिए तैयारी करते हो और उसको हमेशा बेनिफिट देते हो. तो दैट इज हाउ द फैसिलिटेशन मॉडल इज गोइंग टू वर्क. फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है, एक एरिया में जो सबसे पहले स्पीसीज आएगा वो स्पीसीज अपने से आगे आने वाले स्पीसीज के लिए उस एरिया को सूटेबल बना देगा. जैसे कि मान लीजिए एक एरिया में ए नाम का स्पीसीज आया, वो स्पीसीज उस एरिया की फर्टिलिटी को हो सकता है बढ़ा दे, और उस फर्टिलिटी के बढ़ने की वजह से जब अगला स्पीसीज बी इस एरिया में एंटर करेगा तो उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना स्ट्रगल ए ने किया था. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल जो कि आप कह सकते हो. तो फैसिलिटेशन मॉडल में क्या होता है, दी एग्जिस्टिंग एंड पाइनियर स्पीसीज मॉडिफाई द इकोलॉजी एंड मेक इट सूटेबल फॉर द अदर स्पीसीज. लेटर स्पीसीज एलिमिनेट दिस अर्लियर स्पीसीज. कॉलोनिस्ट प्रिपेयर एनवायरनमेंट फॉर द लेटर सक्सेशनल स्पीसीज. तो अगर सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म में हम बात करें तो अगर ए पहले आया है तो ए बी के लिए सूटेबल कर देगा एनवायरनमेंट, बी सी के लिए कर देगा, सी डी के लिए कर देगा. और डी जो है अपने जैसे आने वाले स्पीसीज के लिए कर सकता है। लेकिन जो नया स्पीसीज यहाँ पे मेंशन है वो ये भी बता रहा है कि ऑब्वियसली अगर बी आया तो ए का एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक एरिया में सबसे पहले से रह रहा है देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि उसका एलिमिनेशन भी पहले हो जाएगा। तो इस ढंग से इसे हम कहते हैं फैसिलिटेशन मॉडल, जिसमें कि बेनिफिट पे ध्यान दिया जाता है। जो पहले स्पीसीज होती हैं वो अपने आने वाले स्पीसीज के लिए एक एरिया को फेवरेबल बना देती हैं। ओके, सेकेंड टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल नाम से ही पता चल रहा है कि जो टॉलरेट कर जाए, मतलब इट्स जस्ट लाइक जो जीता वो सिकंदर है, ठीक है। तो टॉलरेंस मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब एक मान लीजिए एक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके बाद भी तो और भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी वो सक्सेशनल स्पीसीज जो आने वाली हैं उनके ऊपर ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, वो कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो उस एरिया में स्पीसीज आएगा, कभी भी आए, फर्स्ट नंबर पे आए, सेकेंड नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे आए, कभी भी वो आए, लेकिन उस स्पीसीज को उस एरिया में टॉलरेंस गेन करना पड़ेगा। मतलब वो हो सकता है कि खुद वो पूरा का पूरा एरिया ही एक एडवर्स कंडीशन हो, और लेकिन जो स्पीसीज उस एरिया में एडजस्ट कर गई वो स्पीसीज उस एरिया में जिंदा रह जाएगी और वो सक्सेशन को कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पे होता क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यू पायनियर स्पीसीज नाइदर इनहिबिट नॉर फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ अदर स्पीसीज। ऑल स्पीसीज हैज टू लर्न टू टॉलरेट, लर्न द टॉलरेंस टू सर्वाइव। सबको सीखना पड़ता है कि उस एरिया में कैसे जीना है। ओके, एवरीवन हैज टू लर्न द टॉलरेंस। Weak species or competition intolerant species will eliminate with time। मान लीजिए जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उस एरिया में कोई बहुत ही वीक स्पीसीज पहुंचा है, तो क्या होगा, अगर वीक स्पीसीज पहुंचा है तो वेरी ऑब्वियस उसका कुछ टाइम बाद एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वीक स्पीसीज फाइट नहीं कर सकता है, इनटॉलरेंट होगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली दैट स्पीसीज इज नॉट हैविंग अ हायर टॉलरेंस लेवल, सो दैट विल बी एलिमिनेटेड विद टाइम। So presence of early species is not essential. So any species can start the succession. Strong competitor are dominant. तो देखने को ये मिलता है कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक स्पीसीज के नाम के ऊपर स्टैंप लग जाए कि हाँ यही सक्सेशन शुरू करेगा। जैसे कि हमने फैसिलिटेशन में बात किया था, वेरी ऑब्वियस वी आर श्योर कि यस ए जो है वो सक्सेशन को यहाँ पे शुरू करेगा, दैट वी नो, क्योंकि वो पहले आया है। लेकिन टॉलरेंस में कोई भी स्पीसीज शुरू कर सकता है सक्सेशन, डिपेंडिंग कि कौन उस एरिया में टॉलरेंस गेन कर चुका है। जो टॉलरेंस गेन कर लेगा वो उस एरिया में इजीली सरवाइव कर पाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो मान लीजिए ए स्पीसीज है, ठीक है, यहाँ पे बी सी डी लिखा गया, मतलब ए पहले आया, बी सी डी बाद में आया मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं बी आया, सी डी बाद में आएगा, सी आया, डी बाद में आएगा, या डी जो है यहाँ पे आ चुका है। मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू इंडिकेट कि कौन सा स्पीसीज कब आ रहा है। यहाँ पे ए पहले आया, बी उसके बाद, सी उसके बाद एंड डी उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कि ए का इफेक्ट सी पर 0 होगा, बी का इफेक्ट डी पर 0 होगा, किसी का यहाँ पे किसी का भी इफेक्ट किसी और पे 0 ही होगा, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि कोई भी स्पीसीज जो कि उस एरिया में सरवाइव कर सकती है वो वहां पे सक्सेशन को शुरू कर सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये रहा हमारा सेकेंड मॉडल, दैट इज टॉलरेंस मॉडल। थर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इनहिबिशन मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे इनहिबिट किया जाएगा। तो फैसिलिटेशन में फायदा था, टॉलरेंस में न्यूट्रल एंड इनहिबिशन में नेगेटिव। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीसीज पहले एक एरिया में आ गई वो अपने से आगे आने वाले स्पीसीज को उस एरिया में आने नहीं देती है, इसे हम कहते हैं इनहिबिशन मॉडल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए इस एरिया में आ गया तो ए अपने से आने वाले स्पीसीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको यहाँ पे 1 से 2 इमेजेस एक ही चीज के देखने को मिलेंगे। ये वाला इमेज किसी बुक में मिल जाएगा, फिर किसी बुक में ये वाला इमेज मिल जाएगा, लेकिन इट्स बेटर टू गो विद दिस वन बिकॉज ये आपको एक प्रॉपर आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस एरिया में ए सबसे पहले आया, ए क्या करेगा, ए बी को इनहिबिट करेगा, ए डी को भी कर सकता है, ए सी को भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि ए के बाद कौन आने वाला है। सिमिलर कंडीशन इज अप्लाइड विद बी ऑल्सो, अगर बी पहले आ गया तो वो ए को इनहिबिट कर सकता है, सी को कर सकता है या डी को कर सकता है. सिमिलर केस विथ सी एंड डी ऑल्सो. So that is what mentioned, the pioneer or the early species make the environment less suitable for the other species. Some plants are known to secrete toxic biochemical into the soil, which is called the allelopathy, and process को हम कहते हैं allelopathy, which inhibit the growth of other species. Development of any one site depend on who get there first. तो उस एरिया में जहाँ पे ये इनहिबिशन मॉडल ऑपरेट हो रहा है, उस एरिया में कौन सा स्पीसीज परसिस्ट करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एरिया में पहले कौन आया. जो पहले आया है उसने उस एरिया को बाकी आने वाले स्पीसीज के लिए बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल बना दिया है. तो हेंस ये डिसीजन जो है फर्स्ट जो आता है स्पीसीज उस पे रखा जाता है, वही जो है उस एरिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके बाद वो किसी और स्पीसीज को वहां आने नहीं देता. तो ये इतने टाइप के सक्सेशन देखे जा सकते हैं या मोड देखे जा सकते हैं. जो सबसे कॉमन होता है वो होता है फैसिलिटेशन. ऐसा नहीं है कि ये देखा नहीं जाता है, टॉलरेंस एंड इनहिबिशन देखा नहीं जाता है, देखा जाता है, बट जो कॉमन अकरेंस है वो फैसिलिटेशन का होता है कि फैसिलिटेशन मॉडल के मोड से सक्सेशन ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ मोड जिसमें कि प्रीवियस स्पीसीज अपने आने वाले स्पीसीज के लिए एक एरिया को सूटेबल बना देती है. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सक्सेशन. नाउ कमिंग टू दी आर एंड के स्ट्रैटेजिस्ट या फिर आर एंड के सेलेक्शन. आर एंड के सेलेक्शन या आर एंड के स्ट्रैटेजिस्ट या फिर आर एंड के स्पीसीज क्या होते हैं, इतने सारे नाम से आप बोल सकते हो. इनफैक्ट इसको आर एंड के स्पीसीज भी कह सकते हो. ओके, सो इसको देखने वाली बात होगी कि ये काम कैसे करता है. देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे R और K है क्या. R को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एंड K को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ. एक पॉपुलेशन जब ग्रो कर रही होती है तो कितना इंक्रीज होता है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है. वो भले एक बार ब्रीड करते हैं लेकिन बहुत सारे ऑस्प्रिंग को ब्रीड करते हैं, और अक्सर हम उनको r-selected स्पीसीज कहते हैं. इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम r एक ही टाइम में शो कर देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ छोटी होती है. जबकि k-selected क्या करते हैं, k-selected स्पीसीज ऐसा नहीं करते हैं. k-selected स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट की दैट इज कैरिंग कैपेसिटी को देखते हैं कि वो इन्वायरमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली सपोर्ट कर सकता है, कैरी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेस एंड रिसोर्सेज. तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम आर एंड के में डिवाइड करते हैं. हम के में आते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि मान लीजिए आपने दो कपल को देखा, आपने एक कपल को देखा, तो ऐसा नहीं अगर उनके दो सिर्फ बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दो ही पैदा कर सकते थे. ऑब्वियसली वो जितने चाहे वो उतने पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दो ही को करके रखा है बिकॉज समहाउ दे आर गोइंग थ्रू द फैक्ट कि जितना उनके पास कैरिंग कैपेसिटी है वो उतने को ही रिप्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, यानी उनका जो स्टेटस होगा, ये तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पे जो डील कर रहे हैं दैट इज मेनली फॉर दी ऑर्गेनिज्म. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उनके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना रिसोर्सेस है, यानी एक्चुअल में इकोसिस्टम जो है कितने ऑर्गेनिज्म को बिना किसी प्रॉब्लम के सपोर्ट कर सकती है सर्वाइवल के लिए, उतने को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है उसे ही हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. तो देखिए, अब इनके डिफरेंसेस को हम जरा देखने की कोशिश करते हैं. आर सेलेक्टेड स्पीसीज को हम अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, यानी अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो ये खुद को बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्या हैं. अनस्टेबल की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो r-selected स्पीसीज अक्सर अनस्टेबल या अनसर्टन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी ये किस एरिया में पाए जाएंगे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए काफी ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होता है इनका. इनके में मोर्टेलिटी जो होती है डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है. डेंसिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है उस चीज से डेथ का कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट. इट मे बी हाई एट द अर्ली स्टेज, लेकिन अक्सर मोर्टालिटी अर्ली स्टेज में हाई देखी जाती है, लेकिन ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट के बेसिस पे ऑपरेट होता है. ये फॉलो करता है टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व को. टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व में अक्सर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, जो बहुत ज्यादा ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और अपने ऑस्प्रिंग को बिल्कुल भी पैरेंटल केयर नहीं देते और पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवरशिप कर्व को हम टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं. इनका जो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं साइज में और इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. Each individual reproduce only once in their life, जिसे हम सेमलपैरस कहते हैं, with no parental care. R-selected species जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं और जितने ऑर्गेनिज्म की उनके पास कैपेबिलिटी है वो सारे ऑर्गेनिज्म या सारे ऑस्प्रिंग वो एक बार में ही प्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज दे आर मेनली सेमलपैरस, यानी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करने वाले हैं वो. इसलिए जितने की उनके पास कैपेबिलिटी होती है वो सारे ऑस्प्रिंग को एक ही बार में प्रोड्यूस कर देते हैं. एंड हेंस उन्होंने अपना मैक्सिमम एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा दिया. दैट इज वाई वो पेरेंटल केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म का या इतने सारे ऑस्प्रिंग का पेरेंटल केयर करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है. मेनी स्मॉल ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, तो बहुत सारे ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और काफी स्मॉल साइज में प्रोड्यूस होते हैं. रैपिड डेवलपमेंट एंड अर्ली मेच्योरिटी, इनके में डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड होता है और मेच्योरिटी भी बहुत जल्दी आ जाती है. इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन. बहुत छोटी छोटी सी इनकी लाइफ होती है. अब अगर छोटी लाइफ है, जीने के हैं अगर 4 दिन, वेरी ऑब्वियसली, तो वेरी ऑब्वियस क्या करना पड़ेगा, स्पीसीज को जल्दी मैच्योर होना पड़ेगा. तो ऑर्गेनिज्म की जो सेल्फ लाइफ, मतलब उनकी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, काफी छोटा होता है, इसलिए वो जल्दी से ग्रो करते हैं और जल्दी मैच्योर होते हैं ताकि जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, अर्ली रिप्रोडक्शन करते हैं, लार्ज क्लच साइज होता है. क्लच साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग. इनके ऑस्प्रिंग बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन काफी अर्ली करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट भी रैपिड है और अर्ली मैच्योर भी हो रहे हैं. दैट इज वाई. डिजाइन सेल्फ स्ट्रैटेजी टू लिव डिपेंडिंग अपॉन दी आर, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज और दी रेट ऑफ इंक्रीज. ये क्या करते हैं, ये सेल्फ स्ट्रैटेजी को देखते हैं. मतलब कि सीधी सी बात है, ये इतने अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, एक तो इनका बहुत सारा ये ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं एट अ टाइम, और उसके बाद वो ऑस्प्रिंग डिपेंड करता है कि अगर उस पर बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि सिलेक्शन प्रेशर आया या उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन आ गया, तो मैक्सिमम ऑस्प्रिंग का एलिमिनेशन हो जाता है. जैसे कि हो गया फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग जो है R-selected में चला आता है. अब फ्रॉग अपने एग्स को पानी में देकर चला जाता है, वो पेरेंटल केयर नहीं देता है. अब उस फ्रॉग पे अगर कोई प्रीडेटर आकर अटैक कर दे तब क्या होगा? अगर किस्मत की बात है 1-2 एग बच जाएंगे तो उससे फ्रॉग बन जाएगा, अदरवाइज सबके सब सफाचट हो जाएंगे. तो वही चीज होती है यहाँ पे भी कि पेरेंटल केयर नहीं होने के कारण आर तो इनका बहुत हाई होता है, लेकिन इनको फिर सेल्फ स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ती है. जो बच जाएंगे वो सेल्फ स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे ताकि आगे कैसे जीना है, सर्वाइव कैसे करना है. मैक्सिमम एनर्जी स्पेंड इन रिप्रोडक्शन, सो हाई फेकंडिटी. तो इनका मैक्सिमम जो एनर्जी होता है वो रिप्रोडक्शन में खर्च हो जाता है, इसलिए पेरेंटल केयर नहीं कर पाते और हेंस इनके पास फिकंडिटी बहुत ज्यादा हाई देखी जाती है. फिकंडिटी हाई का मतलब होता है कि एक फीमेल कितने नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द फिकंडिटी. इनका J-शेप पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखा जाता है, यानी इनके पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर देखा जाए तो ये J-शेप का कर्व शो करते हैं. दिस इज व्हाट द J-शेप कर्व. अब आते हैं K-selected पे. K-selected ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कब बारिश आनी है, कब समर सीजन चलेगा, कब विंटर चलेगा, कब कैसा कंडीशन होगा, ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता है. फेयरली कांस्टेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं. मोर्टालिटी इज लो एट अर्ली स्टेज एंड हाई एट लेटर स्टेज, जैसे कि हमारे में भी होता है. जो डेथ रेट होता है अर्ली स्टेज में कम होता है, जैसे कि जब इंसान यंग है, एडल्ट है, तब उसका मोर्टालिटी रेट कम होता है, लेकिन जब वो ओल्ड एज में जाता है तो मोर्टालिटी रेट हाई होने के चांसेस रहते हैं. तो वही चीज यहाँ भी मेंशन की गई है. ये टाइप 1 एंड टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं. टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में ऑर्गेनिज्म में जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको टाइप 1 एंड टाइप 2 कहा जाता है। टाइप 2 में थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं कि टाइप 2 सर्वाइवशिप कर्व में दैट इज़ आप कह सकते हो कि एज डिपेंडेंसी नहीं होती है कि हाँ अर्ली एज में ये होगा या लेटर स्टेज में ये होगा, इनमें कॉन्स्टेंट मोर्टालिटी रेट बनी रहती है दैट इज़ टाइप 2 में। लेकिन टाइप 1 के ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर k-selected स्पीसीज में आते हैं। टाइप 2 के सर्वाइवशिप कर्व के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइनर बेसिस पे आते हैं और मेजर बेसिस पे टाइप 1 के आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर लार्जर इन साइज, ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं साइज में, इनके पास लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, छोटा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे था इनका तो शॉर्ट लाइफ स्पैन था, यहाँ पे लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। ईच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन द लाइफ, हैंस दे आर कॉल्ड द इटेरोपैरस विथ हाई पैरेंटल केयर। k-selected स्पीसीज मल्टीपल टाइम अपनी लाइफ में ब्रीड कर सकते हैं यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इटेरोपैरस। मल्टीपल टाइम ब्रीड करना इज व्हाट कॉल्ड इटेरोपैरस। और एज बिकॉज ये नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग बहुत ज़्यादा कम होती है इनकी, ठीक है, इसीलिए इनके में पेरेंटल केयर हाई होती है। अब अगर ऑस्प्रिंग ही 3 से 4 होगी तो उसको पेरेंटल केयर देना बहुत आसान है ना, जबकि r-selected में क्या है 3 से 4 हज़ार से भी ऊपर हो सकती है, तो उतनों को दैट इज पेरेंटल केयर कोई कैसे दे सकता है, ठीक है। ओके वी हैव मिस्ड वन पॉइंट, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का साइज लार्जर होता है, जो क्योंकि आर के केस में क्या था ऑर्गेनिज्म का साइज स्मॉलर था, यहाँ पे लार्ज होता है। ओके इटेरोपैरस हमने कर लिया। नेक्स्ट होता है लिमिटेड लार्जर ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, लार्जर ऑस्प्रिंग होंगे यानी साइज में लार्ज होंगे लेकिन लिमिटेड नंबर में होंगे। इनका डेवलपमेंट स्लो होता है, लेट मेच्योरिटी गेन करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है यानी कम्पीट करने की क्षमताएं होती हैं इनके पास। ये स्लोली डेवलप करते हैं और लेट तरीके से मेच्योर भी होते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन लॉन्ग है तो इनको जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं होती कि हाँ जल्दी डेवलप करो, जल्दी मेच्योर हो, जल्दी रिप्रोड्यूस करो, इनके में ऐसा नहीं होता बिकॉज इनकी लाइफ स्पेन लॉन्ग होती है। साथ ही साथ इकोसिस्टम में रहते रहते ये कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी सीख जाते हैं। इनके में लेट रिप्रोडक्शन होता है और क्लच साइज स्मॉल पाया जाता है। दे डिज़ाइन देयर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू देयर कैरिंग कैपेसिटी, और ये अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी स्पेंड इन पेरेंटल केयर सो लो फेकंडिटी, एज बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी को पेरेंटल केयर में दैट इज स्पेंड किया जा रहा है, इसलिए जो फीमेल नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करती है वो उसका नंबर कम होता है दैट इज लो फेकंडिटी होता है। इसमें जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है दैट इज अ S-शेप ग्राफ, ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है, S-शेप ग्राफ हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ आर एंड k-selected स्पीसीज। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें देख ली। मेक श्योर अगर हम आर की बात करें, आर जो है r-selected स्पीसीज के केस में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है यानी नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग कितने बढ़े एक पॉपुलेशन में वो हाई होता है, लेकिन k-selected के केस में r स्मॉल होता है। ओके अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे देगा कि आपको एक ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर स्पीसीज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर स्पीसीज। सिमिलर केसेज अप्लाइड विथ k-selected ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉइंट दे दिया, इन्हीं टेबल में से कोई ना कोई आपको पॉइंट मिल जाएगा, इससे बाहर ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। k-selected में आप लेना चाहें तो k-selected में जैसे कि आप जो है मैमल्स को ले सकते हैं, लार्ज बॉडी साइज मैमल्स को ले सकते हैं, ठीक है। एंड r-selected में आप फ्रॉग को ले सकते हैं, ऑयस्टर हो गया, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए दैट इज r-selected स्पीसीज के। तो इस ढंग से हमने एक डिफ्रेंशिएट कर लिया। सारे पॉइंट्स को मैंने तो एक एक करके पढ़ाया है, आप एक साथ कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन बेसिस पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने एक एक पॉइंट करके पढ़ाया, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप दोनों पॉइंट को एक साथ पढ़ो ताकि कंपेयर कर सको कि यस इसमें अनस्टेबल है, इसमें स्टेबल है, यहाँ पे मोर्टालिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मोर्टालिटी अर्ली स्टेज में दैट इज लो है एंड लेटर स्टेज में हाई है। सिमिलरली यहाँ पे टाइप 3 सर्वाइवशिप कर्व हो रहा है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों फॉलो होता है, 1 मेजर बेसिस पे होता है, 2 माइनर बेसिस पे होता है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे स्लो होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, यहाँ लार्ज होते हैं। यहाँ पे लाइफ स्पैन छोटी होती है, यहाँ पे बड़ी होती है। यहाँ सेमल पैरिटी देखी जाती है, यहाँ इटारोपैरिटी देखी जाती है। यहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं होता है, यहाँ पे पेरेंटल केयर होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे लिमिटेड नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट एंड अर्ली मेच्योरिटी होती है, यहाँ पे स्लो डेवलपमेंट एंड लेट मेच्योरिटी होती है विद कॉम्पिटेटिव एबिलिटी। यहाँ पे अर्ली रिप्रोडक्शन एंड लार्ज क्लस्ट साइज होता है, यहाँ लेट रिप्रोडक्शन एंड स्मॉल क्लस्ट साइज होता है। यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग ग्रो करता है ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अपने के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। यहाँ मैक्सिमम एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च होती है, यहाँ मैक्सिमम एनर्जी पेरेंटल केयर में होती है। यहाँ J-शेप कर्व देखने को मिलता है, यहाँ S-शेप मिलता है। तो इस ढंग से आप पढ़ सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से चला आता है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पोर्शन के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द इकोलॉजी ओनली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट शेयरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी एजुकेटिंग इंडिया।